लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलोल पुलिस ने तस्कर सहित बाइक और तीन बोरी विदेशी सुपारी पकड़ा। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलोल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुपारी तस्कर को पकड़ा। उक्त बातें पुलिस अधीक्षक महाराजगंज ने कही। निचलोल में मुखबिर की सूचना पर तीन बोरी सुपारी पकड़ी गई है, जो नेपाल से निचलोल थाने की तरफ जा रही थी। इसमें कस्टम को सूचित कर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई कस्टम विभाग के द्वारा कराई जाएगी। कोई गिरफ्तारी? एक व्यक्ति इसमें जो लेकर के जा रहा था उसे पकड़ा गया है, कस्टम विभाग इसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराया है। वहीं तस्कर ने बताया कि वह नेपाल से सुपारी तस्करी कर निचलोल लेकर आ रहा था कि रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने रुकने का इशारा किया, जिसके बाद वह तस्करी सुपारी से लदी बाइक लेकर भागने लगा। भागते भागते निचलोल पहुंचा और निचलोल कस्बे के कृष्णा नगर एक अनजान मकान की परिसर में वाहन खड़ा कर फरार हो गया। मकान में निवासरत लोगों ने रुकने का प्रयास किया और वाहन खड़ा करने की बात पूछना चाहे, पर तस्कर कुछ भी नहीं बताया और तुरंत भागने लगा। कि डरे लोगों ने तत्काल यूपी 100 को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस तो तस्कर भी आ गया और खुद का माल बताते हुए नेपाल से विदेशी सुपारी की तस्करी करने की बात भी स्वीकार की, पर किन लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया यह तस्कर नहीं बता सका। क्या है ये सुपारी? कहाँ से ला रहे थे? कहाँ ले जा रहे हो? तो यहाँ क्यों खड़ा किए हो? कोई तार रहा था, तो डर के मारे मिला था। किसी के घर तो तार क्यों रहा था? अब ये इतने बारे में तो क्यों तार रहा था? तो तुम भाग क्यों रहे थे? जैसे वो हमको बोला था रुकने के लिए, तो हम तो भाई डरा गए कि भाई कौन है कौन नहीं है मालूम। दो नंबर का माल है क्या? दो नंबर का माल है क्या? कैसे दो नंबर होता बताओ? कैसे दो नंबर होता है? कैसे होता है? वहाँ से निकालते हैं सब, ले आते हैं सब, इधर बेचते सब। तुम कितने का माल होगा ये भैया? हमको नहीं मालूम, मतलब हम तो हमारा था नहीं, मतलब तो मान लीजिए मजदूरी करते हैं। क्या रुपया मजदूरी पाते हो? 300 रुपये मिलेगा। कहाँ तक पहुँचाओगे? निचलोल तक। इसके बाद कहाँ जाएगा? अब इसके बाद वो सब जानेंगे ना मालिक, भाई कहाँ जाएगा। कौन है तुम्हारा मालिक? विनोद है। पूरा नाम बताओ। विनोद पूरा नाम, खाली विनोद जानते हैं। कहाँ का रहने वाला है? थोड़ी भाई। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि तस्करी करने वाला कैरियर जिस तरह से बताया कि वह किसका माल है और कहां लेकर जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारत नेपाल इंडो सीमा पर तस्कर सक्रिय हैं और कस्टम टैक्स चोरी कर पगडंडियों से नेपाल से खाद्य पदार्थ इंडिया लाते हैं और सीमाई इलाकों की सारी एजेंसी को मोटी रकम देते हैं, जिसकी वजह से बेखौफ तस्कर भारत नेपाल से तस्करी कर पाते हैं। इतना ही नहीं, जिसे तस्कर अपना मालिक बता रहा था वह खुद भी घटना स्थल पर मौजूद था, पर पुलिस ने सिर्फ तस्कर व माल को ही पकड़ा और कस्टम को सौंप दिया। पर मजे की बात तो यह है कि कस्टम विभाग को पुलिस ने कितना माल सौंपा और कितना नहीं, यह तो पुलिस ही जाने, पर तस्करी कराने वाले तस्कर पर पुलिस मेहरबान क्यों हुई और कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस तस्कर और तस्करी करने वाला मालिक घटना स्थल पर ही मौजूद है। जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट।